उपमंडल बैजनाथ के तहत नोरी निवासी व टैक्सी चालक अश्विनी के हत्याकांड के 14 दिन बीत जाने के बावजूद शुक्रवार को नोरी पंचायत के प्रधान विजय कुमार को आजाद टैक्सी यूनियन की अगुवाई में पपरोला बैजनाथ बाजार में सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर पुलिस व स्थानीय नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने उपमंडलाधिकारी नाग बैजनाथ छवि मांडा को ज्ञापन सौंपा व मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया कि अगर 10 दिनों के भीतर इस हत्याकांड को सुलझाया नहीं गया तो ग्रामीण पपरोला या चौबिन चौक पर चक्का जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आजाद टैक्सी यूनियन के प्रधान सतपाल ने कहा कि टैक्सी चालक सरकार को टैक्स अदा करते हैं, लेकिन सरकार को चालकों की सुरक्षा का जिम्मा भी लेना चाहिए, अन्यथा बाहरी राज्यों से टैक्सी चलाना मुश्किल हो जाएगा। बैजनाथ के डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि बैजनाथ पुलिस रानीताल व हरिपुर पुलिस के संपर्क में है व हम उनकी मदद कर रहे हैं। इस मामले की तारें बाहरी राज्यों से जुड़ी प्रतीत हो रही हैं व जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप होगा। राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 जामली के पास तीन गाड़ियों की टक्कर जिसमें एक कार और दो ट्रकों के बीच टक्कर हुई, लेकिन इस घटना में किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। HR 55AB 1810 सामने से आ रही कार को टक्कर मारी और कार HP 33B 4008 स्वारघाट से बिलासपुर की तरफ जा रही थी और HP 24B 2099 बिलासपुर से स्वारघाट की तरफ जा रहा था। बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटकों को इस जाम का सामना करना पड़ता है क्योंकि नोनी चौक से लेकर स्वारघाट के बीच हर रोज कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। पुलिस ने मौके पर आकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मशाला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दोनों प्रमुख दलों ने अपने अपने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार में कई तरह के हथकंडे करने में दोनों दल एक दूसरे से पीछे नहीं है। कहते हैं कि सियासत क्या न करवाए, मौसम चुनावी हो या नेता, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पाँच वर्ष तक गायब रहने वाले नेता चुनावी मौसम में अचानक प्रकट होने वाले नेता वोट के लिए कुछ भी करते हैं। जो तस्वीरें आप देखेंगे वो धर्मशाला की हैं। इन तस्वीरों में पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमोरी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र करण, जो कि रिश्ते में ठाकुर सिंह भरमोरी के भांजे हैं, उनके पक्ष में वोट डालने के लिए वोटरों को रिझाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ बीच सड़क में नाच गाने के साथ साथ डुमके लगाकर वोट मांग रहे हैं। आपने ऐसा प्रचार पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि पूर्व वन मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को वोट डालने में तब्दील करेंगे। जिला कांगड़ा में अब ट्रैफिक और पुलिस थानों की व्यवस्था बेहतरीन होगी। प्रदेश सरकार की पहल पर जिला पुलिस को 20 बुलेट मोटरसाइकिल मिले हैं, जिन्हें एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एसपी विमुक्त रंजन द्वारा जिला के विभिन्न पुलिस थानों के लिए रवाना किया गया। जिला पुलिस प्रशासन की माने तो पुलिस आम जनता को सड़क पर सुरक्षित व बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को मिले 20 बुलेट मोटरसाइकिल से और सहायता मिलेगी। प्रथम चरण में जिला पुलिस को मिले 20 मोटरसाइकिल जिला के विभिन्न पुलिस थानों को भेज दिए गए हैं। वहीं पुलिस की ओर से और बुलेट मोटरसाइकिल की भी डिमांड की गई है। पुलिस प्रशासन की माने तो जिला में दिनों दिन बढ़ रही ट्रैफिक समस्या से निपटने में इन बुलेट मोटरसाइकिल से सहायता मिलेगी। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि जिला पुलिस को 20 बुलेट मोटरसाइकिल मिले हैं, जिससे कि पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस थानों की व्यवस्था का और सुचारू किया जा सकेगा। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया है तथा इन बुलेट मोटरसाइकिल पर ब्लिंकर और हूटर लगाए गए हैं। जिला में दिनों दिन हमारी
ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे हम प्रभावी ढंग से निपट सकेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बना सकेंगे। जनता को सड़क पर सुरक्षित व बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। प्रथम चरण में जिला को 20 बुलेट मोटरसाइकिल मिले हैं, जबकि जिला पुलिस ने और डिमांड भेजी है। ऐसे में संभावना है कि शीघ्र ही जिला को और बुलेट मोटरसाइकिल मिलेंगे।